आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नारियल की चटनी। ये वाली जो नारियल की चटनी है, आप इसको महीनों तक रखिए, ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कि आप इसको काफ़ी महीनों तक रख के स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ही मज़े की लगती है। काफ़ी दिनों तक आप इसको स्टोर करके रखने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा थिक, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, किसी के साथ भी खाइए, बहुत मज़ा आएगा इसे खाने में। नमस्ते दोस्तों, मैं कविता, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है, ट्राई करने के बाद पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये मजेदार रेसिपी बनाना। नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ताज़ा नारियल लिया है और इसको मैंने इस तरह से पीसेस में काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, गैस पे एक हम पैन रखेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच ऑयल। और इसको हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें 1 कप कच्ची मूंगफली डालेंगे, जो आप पोहे में इस्तेमाल करते हैं, और बस इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इस मूंगफली का थोड़ा सा कच्चापन दूर ना हो जाए। तो इसको हमें यहाँ पे धीमी आंच पे पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज आंच नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। तो बस इसमें मैंने डाल लिए हैं 4 से 5 करी पत्ते और बस इसको हम चलाते रहेंगे। अब इसमें मैंने थोड़ी सी डाली है इमली, इमली के हम यहाँ पे बीज हटा लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें आमचूर या नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्च डाली है, इसमें भी हम लगातार डाल के चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इसको 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाते जाना है धीमी आंच पे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच भुने हुए चने, ये पहले से रोस्टेड है, तो बस इसको हम ज़्यादा नहीं भुनेंगे। और बस अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने नारियल के पीसेस काटे थे, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। इस तरीके से बनाई जाने वाली नारियल की चटनी हम काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं और ये इसका जो स्वाद है वो भी ख़राब नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, और ये ज़्यादा थिक भी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों इस तरीके से। तो इसको चलाते 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे गैस से उतार लेंगे और इसको हम नॉर्मल हो जाने देंगे। तो ये जब हमारा ठंडा हो जाएगा तब हम मिक्सी जार लेंगे और उसमें हम ये सारा मिक्सचर इसमें डाल देंगे। तो ये हमने अच्छे से सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल लिया है और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 कप डाला है, आप जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और भी ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए 1 कप पानी डालने पे ये थिक हो गया है काफ़ी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पानी और ऐड कर लेंगे। तो जितना आपको पतली चटनी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए, बढ़िया सी हमारी ये जो चटनी है वो बहुत ही अच्छी बन चुकी है। अब इसको हम एक कंटेनर में डाल लेंगे। नारियल की चटनी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन इस तरीके से आप इसको एक बार ज़रूर बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ये तो हमारी बन चुकी है, अब चलते हैं तड़के की तरफ। तो हम गैस ऑन करेंगे, इसमें हम पैन रखेंगे और इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो ऑयल हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ताकि ये वाली जो चटनी है हम काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकें। थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें ऑयल डाला है, थोड़ा सा इसमें हींग डालेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच राई या फिर सरसों, जो भी आपके पास हो। 2 से 3 हम साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, 5 से 6 करी पत्ते डाल देंगे और इनको अच्छे से हम भून लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच उड़द की धुली दाल और बस इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। तो ये अच्छे से हमारा जो तड़का है तैयार हो चुका है, अब इसको हम इसमें डाल देंगे। तो ये लीजिए, तड़का लग चुका है, बहुत ही मज़े की हमारी चटनी तैयार हो चुकी है और ये देखिए बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको डोसे के साथ, वड़े के साथ या फिर इडली के साथ गर्मा गर्म इसको परोसिए। तो ये लीजिए, मैंने इडली बना के तैयार भी कर ली है, इडली की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है और अब हम इसको खाएंगे बहुत ही टेस्टी सी नारियल की चटनी के साथ। तो देख रहे हैं कितना आसान है इस वाली चटनी को बनाना। तो देखिए कितनी ज़्यादा हमारी ये बढ़िया लगती है खाने में चटनी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।